दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हम सब लोग कोरोना को भगाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, पूरे घर को मोमबत्ती और दिए से जलाया, और जब मैं बाहर निकली तो देखा कि पूरा शहर दिया और मोमबत्ती से नहाया हुआ है, तो एक दीपावली जैसा अनुमान मन में आया, उत्साह आया, और उस उत्साह में मुझसे वो गलती हो गई जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और इस गलती को मैं मानती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इसके लिए मैं बहुत ही लज्जित हूँ, शर्मिंदा हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं लाइफ टाइम में अपनी, जब तक जिंदा रहूँगी, कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं होने दूंगी, अपने हाथों से इसके लिए क्षमा। ये बोल है मंजू तिवारी के, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हैं, अब माफी मांग रही है। लेकिन किस बात की माफी मांग रही है? दरअसल कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ पीएम मोदी ने 5 अप्रैल की रात 9 बजे 9 मिनट के लिए घरों की लाइट्स बंद करने की अपील की थी। लोगों ने उसकी जगह मोमबत्ती, दिए और मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई, लेकिन मंजू तिवारी ने दिया जलाने के साथ साथ लाइसेंसी रिवॉल्वर से हवाई फायरिंग भी कर दी। वीडियो बनाकर अपने फेसबुक अकाउंट पर भी अपलोड कर दिया। वहां से जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उनकी भद पिट गई। वीडियो कुछ सेकंड का ही है, उसमें मंजू मुस्कुराते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन अब मंजू ने ये पोस्ट फेसबुक से डिलीट कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके इस वीडियो पर कैप्शन था, आज दीप जलाने के बाद कोरोना वायरस को भगाते हुए। इतना सब होने के बाद उन्हें पद से भी हटा दिया गया है। बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दर्शना सिंह की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक मंजू तिवारी को जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा के पद से हटा दिया गया है। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सर्वत, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल दी ललन टॉप को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम, और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉक की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉप।